Hi guys, welcome back to my channel Fashion Plugin. I hope that you all are doing good and staying safe at your home. Today I am going to share a very different kind of a video with you all. And today I am going to share my product regrets. Till now, मैंने बहुत सारे videos बनाए हैं wherein I have shared my beauty favorites, makeup favorites and such stuffs. But मैंने कभी भी ऐसा कोई video नहीं बनाया जहाँ मैंने share किया जो products मुझे पसंद नहीं आए हैं. So today I am going to share all those products which I have not liked. Actually, there are different products meant for different kind of skin types and still बहुत सारे ऐसे products होते हैं जो मेरे skin पे suit करेंगे but it will not suit you. So वो totally like आपके skin type पे और आपके liking पे depend करता है. ज़रूरी नहीं है जो मुझे पसंद आया है वो आपको पसंद आए या आप पे suit करे and जो मुझे पसंद नहीं आया है वो आपके लिए work ना कर रहा हो. So stay tuned till the end of the video and as I always say, don't forget to subscribe to my channel, like the video and if you have any queries, you can even comment in the comment section. And please press that notification bell because whenever I'll be uploading a new video, you will get to know about my new videos. So let's get started. The very first product which I have with me today is this Maybelline V Face Blush Contour. So ये पैलेट अराउंड 500 रुपीज़ का है एंड जो प्रॉब्लम मुझे इस पैलेट के साथ लगती है वो ये है कि इस सेम पैलेट में ये बीच वाला पार्ट ब्लश है, ये हाइलाइटर है एंड ये कॉन्टोर है. सो हाइलाइटर एंड कॉन्टोर का जो स्पेसिंग है दैट इज़ टू स्मॉल कि वो आप सेपरेटली यूज़ नहीं कर पाते हो. अगर आप सोचोगे कि ये 400-500 का एक मैं ब्लश किट खरीद लूँ और मेरे तीनों काम हो जाएंगे, then you are wrong. ये नहीं हो सकता till the time you are using it with fingers. तो usually मैं बड़े brushes use करती हूँ when I apply like highlighter और when I apply blush. तो उस time पर क्या होता है, मेरा पूरा brush इसके अंदर dip हो जाता है and I am not able to use all these three products separately. तो मैं सिर्फ इस पैलेट को एज अ ब्लश पैलेट ही यूज़ कर पाती हूँ. आई रियली लाइक दिस पैलेट टू यूज़ एज अ ब्लश बिकॉज ये मुझे बहुत ही प्यारा शेड देता है मेरे स्किन पे. यू कैन सी आज भी मैंने यही ब्लश लगाया हुआ है बट मैं इसे डिफरेंट वे में यूज़ नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ विच मुझे ये एक रिग्रेट लगता है. बट फॉर ब्लश आई विल श्योरली गो फॉर दिस पैलेट. अगर आप कोई बिगनर हो जिन्हें अलग से हाइलाइटर या कॉन्टोरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं. आई नो ये प्रोडक्ट थोड़ा पुराना है बट आज तक मैंने प्रोडक्ट रिग्रेट वीडियोज़ नहीं बनाए हैं, दैट इज़ वाई हैव इंक्लूडेड दिस प्रोडक्ट इन टू दिस वीडियो. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट प्रोडक्ट अगेन एक मेकअप प्रोडक्ट है एंड ये है हाइलाइटर फ्रॉम द ब्रांड निक्स. दिस इज़ लव यू सो मोची निक्स हाइलाइटर. सो ये अराउंड 1000 bucks का आता है एंड आई हैव एक्चुअली बॉट इट फ्रॉम US. वहाँ पे एक शॉप पे बहुत बड़ी सेल चल रही थी जिसकी वजह से मैंने ये ले लिया था एंड एट दैट टाइम आई वॉज नॉट हैविंग एनी हाइलाइटर. तो मुझे एक लेना था एंड आई थॉट कि तीन डिफरेंट शेड्स हैं, मे बी मैं डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर पाऊँगी, इसके लिए मैंने ये लिया था. बट फर्स्ट लेट्स सी, इसमें तीन शेड्स हैं, ये गोल्डन, पिंक एंड सिल्वर शेड. ओके, ये बहुत ही लाइक ओनली गोल्डन शेड इज़ समथिंग की जो मैं रेगुलर यूज़ में यूज़ कर सकती हूँ बिकॉज विच दैट इज़ वेरी सटल एंड सॉफ्ट, नॉट चॉकी और ग्लिटरी. अदर टू शेड्स आर वेरी चॉकी, वेरी ग्लिटरी. सो लाइक जिन्हें ग्लिटरी चॉकी काइंड ऑफ का या बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटर का शौक है, मे बी दे कैन वर्क विद इट, बट मुझे थोड़ा सटल हाइलाइटर पसंद है तो ये मेरे लिए इतना हेल्पफुल नहीं होता है रेगुलर बेसिस में यूज़ करने के लिए. इफ़ आई बाई समथिंग फॉर 1000 rupees, मुझे ये लगता है कि मैं उसे फुल्ली यूटिलाइज़ कर पाऊँ, बट ये पैलेट ऐसा नहीं है जिसे आप फुल्ली यूटिलाइज़ कर पाएँ. इंस्टेड अगर आपको ये डिफरेंट किट्स में मिले तो आप डेफिनेटली गोल्डन शेड के लिए जा सकते हैं. आई रियली लाइक दिस वन पर्सनली एंड निक्स इज़ माई फेवरेट ब्रांड एक्चुअली. आई यूज़ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम निक्स. आई यूज़ देयर मेकअप फिक्सर्स, आई यूज देयर लॉट ऑफ लिपस्टिक्स. टुडे आई हैव ऑल्सो अप्लाइड देयर लिपस्टिक ओनली एंड दिस लिप शेड इज़ कॉल्ड शांगाई फ्रॉम देयर निक्स लिप क्रीम. आई लव दिस ब्रांड बट आई डोंट लाइक दिस पर्टिकुलर किट फ्रॉम दिस ब्रांड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस लाइट कम्प्लीट योगर्ट नाइट क्रीम फ्रॉम गार्नियर. सो एक्चुअली मैंने गार्नियर के मॉइस्चराइजर्स के बारे में काफ़ी सुना था फ्रॉम डिफरेंट ब्लॉगर्स, फ्रॉम मालविका सेतलानी एंड फ्रॉम लॉट ऑफ अदर ब्लॉगर्स एज वेल. सो मुझे एक क्यूरियोसिटी था कि मुझे ये ट्राई करना है
usually I know these moisturizers are very good for dry skin. तो winters में मेरा skin बहुत ही ज़्यादा dry होता है. तो at that time I thought of buying this product for me and I started using this one and the red container one on my skin. But ये product मुझे बिल्कुल suit नहीं किया. This has given me lot of pimples and acne on my skin. जिस भी रात को मैं ये लगाती थी, next day मुझे बहुत सारे rashes and बहुत सारे bumps आ जाते थे skin पे. So I didn't like it. Maybe अगर आप dry skin के हो तो आपको ये suit करे, because there are lot of people who like this product. तो maybe ये आपको भी suit कर सकता है. But you have to like try it and then only you can decide कि अगर ये आपके skin type को suit कर रहा है कि नहीं कर रहा है. And the second part about this night cream, what I don't like कि ये आपके skin को थोड़ा सा white cast देता है immediately जब आप लगाते हो. उसके बाद थोड़े time बाद it gets settles down. But immediately when you apply it, it gives white cast to your skin, which I don't like about any moisturizer. So this is the problem with this product. Otherwise, other products of Garnier, I personally really like. And why I am saying these things again and again, because I don't think कि मुझे किसी ब्रांड के ब्रांड से इशू है, but मुझे जो इशू है वो है कोई एक ब्रांड के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जो कि मुझे सूट नहीं किया, बिकॉज ऑफ विच मैंने ये अपने प्रोडक्ट रिग्रेट्स में इंक्लूड किया है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ फुलर्स अर्थ पाउडर फ्रॉम गुड वाइब्स. सो ये मैंने ट्राई किया फर्स्ट टाइम, तो मेरा फेस पूरा ऐसे बर्न कर रहा था एंड इट वॉज लाइक मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा इची हो गया था. देन आई थॉट लेट्स ट्राई, लाइक मैंने कुछ 15 दिन बाद 20 दिन बाद अगेन इसे ट्राई करने का ट्राई किया, बट अगेन मेरे स्किन पे सेम प्रॉब्लम हो रही थी. तो आई हैव नॉट लाइक टच दिस प्रोडक्ट अगेन एंड आई हैव थ्रोन ऑल द इन्ग्रीडियंट वॉट एवर वॉज इन साइड दिस कंटेनर. नाउ आई हैव फिल्ड माई डी आई वाई हैंड क्रीम इन साइड इट, विच जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पर. तो ये कंटेनर मुझे एक्चुअली यूज़ हो रहा है, सो जो मैंने पैसे इस पर काइंड ऑफ बर्बाद किए थे वो कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे हैं, बिकॉज ये कंटेनर मैं यूज़ कर पा रही हूँ. बट ये प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है एंड आई बिलोंग टू ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन. ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया. अदरवाइज फुलर्स अर्थ इज़ समथिंग विच इज़ सुटेबल फॉर ऑल दी स्किन टाइप एंड इट गिव्स यू गुड ग्लो एंड गुड टेक्स्चर टू योर स्किन, बट ये प्रोडक्ट ने मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं किया. नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस रायल USA ऑर्गेनिक ब्रांड है, एक ये इंस्टाग्राम चैनल का है. ये मेरे पास एक्चुअली PR में आया था. द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज लाइक दिस स्मेल्स सो 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 बैड. दिस इज़ नीम ऑयल. आई कैन अंडरस्टैंड कि नीम ऑयल यूजली थोड़ा वियर्ड स्मेल करता है, बट दिस इज़ लाइक समथिंग विच यू कैन नॉट बियर एट ऑल. स्टिल मैंने एक बार ट्राई किया इसे एंड ये कुछ भी नहीं करता है आपके बाल में एक्चुअली. इनफैक्ट इसको लगाने के बाद मेरे स्कैल्प में थोड़ा इरिटेशन भी हुआ. पहले तो आप लगा ही नहीं पाओगे इस प्रोडक्ट को, बिकॉज ये प्रोडक्ट इतना पथेटिक स्मेल करता है कि आप बेयर नहीं कर पाओगे इसको अपने सर पे लगा के. एंड मैंने अभी तक सिर्फ ये बॉटल इसलिए बचा के रखा हुआ था बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन दिस वीडियो एंड नाउ आई एम गोइंग टू थ्रो इट इन ट्रैश. द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव विथ मी इज फेस वॉश. ऑलरेडी मैंने इस फेस वॉश के बारे में अपने प्रोडक्ट एम्प्टीज में शेयर किया है थोड़ा. दिस इज ऑर्गेनिक हार्वेस्ट एक्ने कंट्रोल फेस वॉश. सो नायका वॉज रनिंग अ सेल जिसमें अराउंड 120 रुपीज में आई गेस दो फेस वॉशेज मिल रहे थे. सेम फेस वॉशेज दो मिल रहे थे, बाय वन गेट वन टाइप का ऑफर था. एंड ये एक्ने कंट्रोल फेस वॉश था एंड मेरी स्किन थोड़ी एक्ने प्रोन टाइप है भी, तो मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा. एक्चुअली मैंने बहुत सुना था इस ब्रांड के बारे में, इन प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड बहुत सारे ब्लॉगर्स इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये प्रोडक्ट उनको बहुत सूट कर रहा है. तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई बिकॉज मेरी भी एक्ने प्रोन स्किन है. बट द मेन प्रॉब्लम विद दिस प्रोडक्ट इज दैट कि अच्छी बात है दैट इट इज़ अफोर्डेबल, सो इफ समवन वांट्स टू बाय दे कैन बाय इट ईजली, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर इन द मार्केट. बट इसका जो पैकेजिंग है दैट इज़ टू क्लम्जी. आप जब ऐसे प्रेस करते हो प्रोडक्ट निकालने के लिए, सारा का सारा प्रोडक्ट एक ही बार में बाहर आ जाता है. पैकेजिंग भी ऐसी है कि जो एक्सेस प्रोडक्ट आपके हाथ में आ रहा है वो आप इसके अंदर वापस से डाल नहीं सकते. सो
इन दैट केस मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता था कि मेरे हाथ में जो भी प्रोडक्ट आया है मैं वो अपने फेस पे अप्लाई कर लेती थी। तो ये प्रोडक्ट ने मेरे एक्ने के लिए तो एज सच कोई वर्क नहीं किया, इंस्टेड ये मेरे स्किन को बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे ड्राई बना रहा था। दो इट इज़ सल्फेट फ्री प्रोडक्ट, स्टिल इट वॉज मेकिंग माई स्किन बिट ड्राई। अफोर्डेबल भी बहुत है, एवरीथिंग इज़ गुड, बट बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग मैं इस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाई, यूटिलाइज नहीं कर पाई एंड समझ नहीं पाई कि इफ़ इट हैज़ रियली वर्कड ऑन माई स्किन और नॉट। मैंने बस एक ही चीज़ नोटिस की कि ये मेरे स्किन को दिन पर दिन बहुत ड्राई बना रहा था। The next product is something which my husband bought for me last Valentine, and this is the Body Shop Peppermint Foot Cream. So this cost you ₹8.95, and actually मेरे feet बहुत dry हैं, मैंने काफ़ी बार mention किया है ये चीज़ अपने videos में, and आई पर्सनली लाइक कि मैं अपने फीट्स को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करके रात में सोऊं। दिस इज समथिंग विच हैज़ पेपरमिंट्स, इट स्मेल्स अमेजिंग, बट ये आप जैसे ही आप लगाओगे इट विल इंस्टेंटली एब्जॉर्ब इनटू योर स्किन एंड कोई भी आपको ऐसा फीलिंग ही नहीं आएगा दैट इवन इफ़ यू हैव अप्लाइड एनीथिंग ऑन योर फीट। स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स तो आपको बिल्कुल भी कोई भी इफेक्ट इसका नहीं दिखेगा। सो आई पर्सनली हैव नॉट लाइक दिस प्रोडक्ट, I have just used this one to give it a try and उसके बाद मैंने try नहीं किया है, but still I'll be using it and I'll be finishing it because it is too expensive. I cannot throw it like this, so I am going to use it, but this is something, the only one product which I have regret from Body Shop I guess is this one. Otherwise I love all the Body Shop products, mostly all the Body Shop products which I have used till now. So this one was my next regret. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ समथिंग जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इनफैक्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसका पॉजिटिव रिव्यू भी दिया है एंड आई डोंट नो व्हाई, ये अल्ट्रा शियर ड्राई टच सन ब्लॉक ये अब मेरे लिए वर्क बिल्कुल नहीं कर रहा है। मैं इसे जब भी लगाती हूँ ये मेरे स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स, एक्नेस एंड इरिटेशन, रैशेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एंड वेन एवर आई टेक आउट द प्रोडक्ट इसका ऑयल अलग आता है एंड इसकी मॉइस्चराइजर अलग आता है, तो मे बी दिस प्रोडक्ट इज़ रुइंड, बट ये अभी तक एक्सपायरी भी नहीं हुआ है। एंड येस आई हैव बॉट दिस फ्रॉम मिंत्रा, एक्चुअली आई हैव नॉट बॉट इट फ्रॉम नायका और अमेजोन। मे बी मिंत्रा हैज़ नॉट शिप्ड अ गुड प्रोडक्ट टू मी, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद इट। आई हैव फिनिश्ड लाइक थाउजेंड्स ऑफ बॉटल ऑफ दिस पर्टिकुलर सनस्क्रीन, आई यूज टू लव दिस सनस्क्रीन that much, but this particular container has not at all worked for me. Still it has like sunscreen till here and I'm not able to use it, no one in my house is able to use it because the same problem is arising with everyone. Sabko hi ye product bahut sare pimples, acne and rashes de raha hai. Agar main bahut hi zyada ise use kar pati hu to on my body, अदरवाइज मैं फेस पे तो आई कैन नॉट यूज़ इट बिकॉज आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क ऑफ दोज एक्नेज एंड पिम्पल्स, बिकॉज एक बार आ जाते हैं बट उसे एक्नेज एंड पिम्पल्स को हटाना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो दिस वॉज द नेक्स्ट प्रोडक्ट। द लास्ट प्रोडक्ट विच आई हैव विथ मी टूडे इज दिस गुड वाइब्स रोज रिफ्रेशिंग शार जेल। सो ये प्रोडक्ट भी मैंने बहुत उम्मीद से लिया था, बेस्ट पार्ट की बहुत अफोर्डेबल है इसलिए भी मैंने लिया कि मैं ट्राई करना चाहती थी इसे। गुड वाइब्स के मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए एंड आई लाइक गुड वाइब्स प्रोडक्ट्स एक्चुअली, स्पेशली देयर बॉडी बटर्स, बॉडी स्क्रब्स, आई पर्सनली लव देम। सो आई हैव गिवन अ ट्राई टू दिस वन एज वेल, बट इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि मेरा सर घूमने लग जाता है बिकॉज ऑफ दिस स्मेल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है एंड मुझे माइग्रेन भी है, सो आई कैन नॉट टॉलरेट द स्मेल ऑफ दिस प्रोडक्ट। मैंने कई तरह से डिफरेंट वेज में इसको यूज़ करने का ट्राई किया बट स्टिल दिस प्रोडक्ट हैज़ नॉट वर्क्ड फॉर मी एट ऑल। सो अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप रोज़ शार जेल लो, इनके अदर शार जेल्स आप ट्राई कर सकते हो वो अच्छे हैं बट नॉट दिस पर्टिकुलर वेरियंट।
So that's it for today's video. I hope that you have liked this video. And if you have tried any of these products और ये इन products में कुछ भी अगर आपको suit नहीं किया हो या आपके skin type को suit भी किया हो तो please let me know. I'll be grateful if you will comment and let me know your opinion about all these products. And मैं सारे ही products के link description में डाल दूँगी so that अगर आप एक बार cross check करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. So that's it for today's video. Until next time, Fashion Plugin signing off. Bye bye. Take care.